सो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे फोर फिफ्थ वन, वन डिवाइडेड बाय टू इंटू थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस वन डिवाइडेड बाय फाइव इंटू टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू वन अपॉइंट फोर एंड फाइव डिवाइडेड बाय थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस टू डिवाइडेड बाय टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन टू. ओके सो ये प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे. सो ये प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए आपको क्या चाहिए, देखो ये आप लिख सकते हो, इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो कि वन डिवाइडेड बाय टू इन टू करके ये लिख सकते हो वन डिवाइडेड बाय थ्री एक्स प्लस फोर वाई. ओके सो ये थ्री एक्स प्लस फोर वाई इधर भी है और इधर भी है. सो सिमिलरली टू एक्स माइनस थ्री वाई इधर भी है और इधर भी है, तो दोनों साइड सेम है. मतलब आपको कंसिडर करना है वन डिवाइडेड बाय थ्री एक्स प्लस फोर वाई एक वेरिएबल कंसिडर करना है, सिमिलरली वन डिवाइडेड बाय टू एक्स माइनस थ्री वाई और एक वेरिएबल कंसिडर करना है. ओके सो सिमिलरली इधर आप लिख सकते हो वन डिवाइडेड बाय फाइव इंटू इंटू वन डिवाइडेड बाय टू एक्स माइनस थ्री वाई. ओके सो इज इक्वल टू वन अपॉन फोर है. सिमिलरली इधर भी आप लिख सकते हो फाइव इंटू, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन फाइव इंटू वन डिवाइडेड बाय थ्री एक्स प्लस फोर वाई लिख सकते हो. ओके माइनस है माइनस टू इंटू क्या लिख सकते हो वन डिवाइडेड बाय टू एक्स माइनस थ्री वाई लिख सकते हो, इज इक्वल टू क्या है माइनस थ्री अपॉन टू है. तो पुट करना है आपको ये देखो ये नंबर्स और ये नंबर्स, ये इक्वेशन दोनों सेम है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है. तो पुट करना है आपको पुट वन डिवाइडेड बाय थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू हम एक वेरिएबल लेंगे ए वेरिएबल, सिमिलरली वन डिवाइडेड बाय टू एक्स माइनस थ्री वाई और एक वेरिएबल लेंगे बी वेरिएबल लेंगे. ओके सो इसे क्या होगा, ये टोटल टर्म लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट होगा. ओके सो वन अपॉन टू इंटू ए होगा प्लस वन अपॉन फाइव इंटू बी होगा, वन अपॉन फाइव इंटू बी होगा इज इक्वल टू वन अपॉन फोर होगा. सिमिलरली ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन भी वही होगा, सेम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट होगा. फाइव इंटू ए होगा माइनस है माइनस टू इंटू बी होगा इज इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन टू होगा. ओके लेकिन इधर देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, टू फाइव और फोर का एलसीएम कितना आएगा, ट्वेंटी आएगा. इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, हम कंसिडर फर्स्ट इक्वेशन नहीं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, 20 से ईच टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. क्यों, ये 2 डिवाइडेड बाय ये आपको निकालना है, मतलब आपको कैंसिल करना है, इसीलिए इस टोटल टर्म को, इस टोटल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस टोटल इक्वेशन को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे. 20 क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये एलसीएम है, 4, 5 और 2 का एलसीएम, मतलब ये 22 टेबल में भी आएगा, 20 ये 5 टेबल में भी आएगा और 20 ये 4 टेबल में भी आएगा, इसीलिए ये सभी कैंसिल होंगे. फ्रैक्शंस क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, वो डिनोमिनेटर कैंसिल होंगे, इसीलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो 20 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 10 ये होगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 20 किया तो 5 वन ज़ा 5, 5 फोर ज़ा 20, सो 4 बी होगा, 4 बी इज इक्वल टू 4 वन ज़ा 4 फाइव ज़ा, सो 5 होगा. ओके सो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, हो गया फर्स्ट इक्वेशन, हम देंगे इसको नाम. बाद में इधर आप मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 5 10 ए होगा, माइनस है माइनस 2 टू ज़ा 4 होगा, 4 बी होगा इज इक्वल टू ये 2 कैंसिल होगा माइनस 3 बचेगा. सो दिस बिकम्स द सेकेंड इक्वेशन. अभी क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और ए और बी फाइंड आउट करना है आपको. देखो इधर प्लस 4 भी है, इधर माइनस 4 भी है, तो कैंसिल कर सकते हो. कब कब आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए. सो इधर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे. सो इधर ही लूँगा मैं ये इक्वेशन 10a माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 3. सब्सट्रैक्ट किया तो क्या होगा, सब्सट्रैक्ट किया तो ये फिर से साइन चेंज होगा, प्लस होगा. ओके सो सब्सट्रैक्ट किया तो नहीं आएगा, सब्सट्रैक्ट किया तो ये दोनों कैंसिल होंगे. ओके सब्सट्रैक्ट किया तो ये दोनों कैंसिल होंगे बिकॉज ये माइनस होगा, लेकिन आपको प्लस किया तो ये ऑलरेडी कैंसिल हो सकते हैं. ओके सो 4b और ये माइनस 4b कैंसिल हुआ, 10a प्लस 10a 20a होगा इज इक्वल टू कितना होगा 5 माइनस 3 माइनस ऑलरेडी है. सो 5 माइनस 3 कितना होगा 2 होगा. सो ये इज इक्वल टू कितना होगा 2 अपॉन 20 होगा. सो इट बिकम्स 1 अपॉन 10 होगा.
सो 1 अपॉन 10 ये क्या हो गया, a हो गया, ओके। सिमिलरली आपको b फाइंड आउट करना है, सो b सब्स्टिट्यूट करो a का वैल्यू, पुट और सब्स्टिट्यूट पुट a इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 इन इक्वेशन, इन इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, देखो 1 इक्वेशन क्या है ये है, सो 10 इंटू 1 अपॉन 10, देखो 10 इंटू ए प्लस 4b है, 10 इंटू ए मतलब 1 अपॉन 10 है प्लस 4b है इज इक्वल टू क्या है 5 है, सो b का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ये तो a का वैल्यू हो गया 1 अपॉन 10, ओके 1 अपॉन 10 हो गया, सो ये 10 कैंसिल होगा, सो 4b इज इक्वल टू क्या होगा, ये 5 होगा और ये 1 है, इस साइड आया तो माइनस 1 होगा, सो ये कितना होगा 4 होगा, सो 4b इज इक्वल टू 4 होगा, सो b इज इक्वल टू कितना होगा 4 अपॉन 4 होगा, सो इट बिकम्स 1 होगा, ओके, सो 4 1 4 1 इट इज 1 होगा, सो b हो गया आपका वैल्यू आ गया 1। नाउ आपको इक्वेशन सॉल्व करके आपको x और y फाइंड आउट करना है, ओके, सो x और y आपको फाइंड आउट करना है, तो देखेंगे हम ये b का वैल्यू हो गया, a का वैल्यू हो गया, इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इधर इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको मालूम है 1 / 3x + 4y इज इक्वल टू ए है और 1 / 2x - 3y इज इक्वल टू बी है, सो ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, सो ए का वैल्यू कितना है 1 अपॉन 10 है, सो सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर, सो 1 / 3x + 4y इज इक्वल टू ए है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आएगा, देखो 1 / 3x + 4y इज इक्वल टू ये कितना है 1 अपॉन 10 है, सो 10 इस साइड लेके आओ, 10 × 1 10 होगा, 10 इज इक्वल टू ये 3x + 4y होगा, सो इक्वेशन क्या आएगा, दिस बिकम्स द थर्ड इक्वेशन, हम देंगे इसको, हम देंगे थर्ड इक्वेशन, बाद में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे b का वैल्यू 1 / 2x - 3y, ओके, इज इक्वल टू क्या है बी है, सो बी का वैल्यू कितना है 1 / 2x - 3y इज इक्वल टू बी कितना है 1 है, सो 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो ये टोटल टर्म इस साइड लेके आएंगे, देयरफॉर आपका इक्वेशन मिलेगा ये 2x - 3y इस साइड आया तो इधर 1 बच गया, सो 2x - 3y इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, सो दिस बिकम्स द फोर्थ इक्वेशन हो गया, देखो ये फोर्थ इक्वेशन हो गया और ये थर्ड इक्वेशन हो गया, तो आपको क्या करना है, देखो अभी इसमें हम थर्ड इक्वेशन सेपरेट लिखेंगे, इधर 3x + 4y इज इक्वल टू 10 है और फोर्थ इक्वेशन कितना है 2x - 3y इज इक्वल टू 1 है, ओके, सो आपको ये दोनों फिर से सॉल्व करना है, सो सॉल्व करना है मतलब इन दोनों को देखो, ये तो टर्म सेम नहीं आ सकते, सेम आने के लिए आपको क्या करना है, इसका कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करना है, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है और इस कोएफिशिएंट से इस टोटल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, ओके, देन ओनली इट विल कम सेम, देखो ये 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 × 3 = 6 आएगा, सिमिलरली इस 3 से इस टोटल को मल्टीप्लाई किया तो 3 × 2 = 6 आएगा, ओके, सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ओके, सो क्या होगा 2 × 3 = 6 6x होगा प्लस 2 × 4 = 8 8y होगा इज इक्वल टू 2 × 10 = 20 होगा, सिमिलरली इधर आप मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 2 × 3 3 × 2 = 6 6x होगा माइनस 3 × 3 = 9 9y होगा इज इक्वल टू 3 होगा, ओके, बाद में आपको क्या करना है, ये भी प्लस 6x है प्लस 6x है, आपको माइनस करना है, दोनों इक्वेशन को माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो साइन चेंज होगा उसका, माइनस 9y इज इक्वल टू 3 होगा, सो साइन चेंज होगा इधर, तो इधर माइनस होगा, इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा, तो ये दोनों कैंसिल होंगे प्लस माइनस, बाद में इधर प्लस 8y प्लस प्लस 9y कितना होगा 17y होगा इज इक्वल टू कितना होगा 20 - 3 20 - 3 17 होगा, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 17/17 होगा, तो इज इक्वल टू 1 होगा, आई होप यू अंडरस्टूड, y का वैल्यू आपको मिल गया 1। सिमिलरली आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो x का वैल्यू इधर फाइंड आउट करेंगे, सो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको थर्ड इक्वेशन नहीं तो फोर्थ इक्वेशन में y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, सो सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3,
सो इन इक्वेशन 3 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या होगा, 10, ये 3x plus 4y पहले लेंगे हम, 3 into x plus 4 into y, y का वैल्यू कितना है 1 है, is equal to कितना है 10 है, so 4 1 जा 4 it is, so 3x is equal to 10 minus 4, 10 minus 4 6 होगा, so x is equal to कितना होगा 6 upon 3 होगा, so x is equal to क्या होगा 2 होगा, okay, so x is equal to 2 हो गया, therefore आप लिख सकते हो, therefore x comma y is equal to x का वैल्यू कितना है 2 है और y का वैल्यू कितना है 1 है इज द सॉल्यूशन, ओके इज द सॉल्यूशन, सो ये हो गया उसका आंसर, आई होप यू अंडरस्टूड, सो दिस बिकम्स द आंसर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम सम, इसके प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे अभी, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम, सो वर्ड प्रॉब्लम्स ऑलरेडी वी डिस्कस द एप्लीकेशन application of linear equations, okay, so उसमें हम discuss किए हैं word problems के, so वही एक problem लेंगे हम, first problem, a two digit number and the number with digits interchange add up to 143, आपको क्या बोले उन्होंने, two digit number कौन सा भी एक number है and the number with digit interchange, मतलब अभी समझो अभी 24 है, 24 एक 2 digit number है, ये number plus इन digit को interchange किए, तो digit को interchange किए मतलब digit को interchange करना है मतलब 4 इधर लेना है और 2 इधर लेना है, 42 होगा, okay, so इन दोनों को add किए तो कितना आएगा 143, I am taking example, 143 नहीं आएगा वो, लेकिन मैंने example लिया हूँ कि एक 2 डिजिट नंबर है, बाद में उसको इंटरचेंज करने और ऐड करने के बाद आपका आंसर कितना आएगा 143 आएगा, लाइक दैट दे आर गिवन, ओके, आपको वो डिजिट फाइंड आउट करना है कौन से डिजिट है, ओके, इन द गिवन नंबर द डिजिट इन द यूनिक प्लेस इज 3 more than द डिजिट इन द टेंस प्लेस, ये सेकंड कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन के लिए ये इतना दिए है, इससे आपको एक इक्वेशन मिलेगा, बाद में सेकेंड कंडीशन के लिए सेकेंड इक्वेशन मिलेगा, वो फाइंड आउट करना है आपको, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, कैसे फाइंड आउट करेंगे देखेंगे, सॉल्यूशन, लेट द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस डिजिट कितना है x है और दैट इन द टेंस प्लेस इज y, आपको मालूम है ये 24 टू डिजिट नंबर है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिट प्लेस बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टेंस प्लेस बोलेंगे, ओके टेंस प्लेस बोलेंगे, तो ये यूनिट प्लेस विल कंसीडर एज x, यूनिट प्लेस हम कंसीडर करेंगे x एंड दैट इन द टेंस प्लेस हम कंसीडर करेंगे y, हमको मालूम नहीं है ये यूनिट कौन सा नंबर है, वो नंबर आपको फाइंड आउट करना है, इसीलिए यूनिट प्लेस सेपरेटली हो हमने x लिए हो और टेंस प्लेस कितना लिए हो y लिए हो, देन द नंबर क्या होगा, आप 24 कैसे लिख सकते हो, 24 आप ऐसे लिख सकते हो, 24 आप ऐसे लिख सकते हो, 20 प्लस 4 लिख सकते हो, ओके क्यों, क्योंकि इधर 20 आप ये कैसे लिखे हो 2 इंटू 10 लिखे हो प्लस 4 लिखे हो, मतलब टेंस प्लेस क्या रहता है, 10 प्लेस क्या रहता है, ये 2 क्या रहता है, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इधर टेंस प्लेस में, टेंस प्लेस में 10 से मल्टीप्लाई करने, सो y हमने क्या कंसीडर किए हैं, टेंस प्लेस कंसीडर किए हैं, सो y को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 10 इंटू y प्लस x होगा, x को यूनिट प्लेस वैसे ही रखेंगे, लेकिन ये 2 इंटू 10 कैसे लिखे हो, 2 इंटू 10 कैसे लिखे हो, वैसे ही 10 इंटू y, y क्या है, y तो टेंस प्लेस है और x क्या है, यूनिट प्लेस है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग, आप इंटरचेंज करने के बाद ये नंबर 10y, इनिशियली नंबर क्या है 10y प्लस x है, बाद में ये इंटरचेंज करने के बाद आपको क्या आएगा, नंबर क्या आएगा 10x प्लस y होगा, बिकॉज x किधर होगा, x टेंस प्लेस में होगा और y क्या होगा, यूनिट प्लेस में होगा, यूनिट प्लेस में होगा, सो 10 इंटरचेंज करने के बाद, सिमिलर दिस वन, अभी 24 था, 4 बाद में इंटरचेंज करने के बाद क्या होगा, 4 10 प्लेस में आएगा और 2 किधर आएगा, यूनिट प्लेस में आएगा, ओके सो लाइक दैट हमने इंटरचेंज करने के बाद 10x प्लस y होगा, बाद में उन्होंने क्या बोला है देखो, द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर विद डिजिट्स इंटरचेंज, इंटरचेंज करने के बाद ये टू डिजिट नंबर प्लस नंबर विच इज इंटरचेंज
एड अप टू 143, आपको मिलेगा 143 मिलेगा। सो 10y प्लस x ये ओरिजिनल नंबर है, बाद में इंटरचेंज करने के बाद ये नंबर आएगा। सो ये दोनों मिला के कितना दिए उन्होंने, 143 दिए। ओके लाइक दिस, 24 पहला था, बाद में 42 हो गया, इन दोनों का एडिशन कितना दिया, 143 दिए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। तो आपको इसमें x कॉमन निकालना है, x कॉमन, इसमें x कॉमन और इसमें x कॉमन, क्या बचेगा, इसमें x और इसमें 10, सो 10 प्लस 1 बचेगा, 10 प्लस 1 मतलब 11 होगा, और इसमें क्या बचेगा, 10 प्लस 1 इंटू वाई होगा इज इक्वल टू 143 होगा। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा, ये 10 प्लस 1 और ये 10 प्लस 1, इधर हम सॉल्व करेंगे 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 143। सो इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, 1 और 3 आएगा, सो 13 आएगा। सो कितना आएगा, 13 आएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 11 से डिवाइड करेंगे ईच टर्म को। सो 11 वन जा 11 कैंसिल होगा, 11 वन जा 11 कैंसिल होगा, 11 वन जा और 11 वन जा इट इज 11, 3 रिमेनिंग 33, 11 3 जा, सो 13 आएगा। ओके सो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सिमिलरली फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, सो सेकेंड कंडीशन से क्या बोले, देखो इन द गिवन नंबर द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट इन द टेंस प्लेस। सो इन द गिवन नंबर, इसमें क्या बोले हैं, इन द गिवन नंबर द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, डिजिट इन द यूनिट प्लेस मतलब कौन सा है, x है, वो किससे 3 मोर है, 3 मोर देन द डिजिट इन द टेंस प्लेस मतलब x है y से 3 ज्यादा है, मतलब 3 ऐड हुआ है। ओके सो x इज, x मतलब क्या है, यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन टेंस प्लेस। ओके यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन टेंस प्लेस, सो दिस बिकम्स द सेकेंड इक्वेशन आपको मिलेगा। सो x, ये y इस साइड आया तो क्या होगा, x माइनस y इज इक्वल टू 3 आएगा, ये सेकेंड इक्वेशन। सो एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, आपको ये दोनों इक्वेशंस ऐड करने, तो इधर मैं सॉल्व करूंगा। सो इन दोनों को इक्वेशन को ऐड करने के बाद क्या आएगा, देखो x प्लस y इज इक्वल टू 13 और x माइनस y इज इक्वल टू 3। सो दोनों, तीनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये दोनों कैंसिल होंगे। सो x प्लस x कितना होगा, 2x होगा इज इक्वल टू 13 प्लस 3 कितना होगा, 13 प्लस 3 16 होगा। सो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 16 अपॉन 2 आएगा, दैट इज बिकम्स 8 आएगा। सो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 8 आएगा। ओके x इज इक्वल टू 8 आ गया। सो ये आपको फिल करना है आपके इसमें बुक में। ओके सो ये हो गया 8। बाद में आपको क्या फाइंड आउट करना है, y फाइंड आउट करना है। सो सब्स्टिट्यूटिंग सब्स्टिट्यूटिंग आपको दिए इधर x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। सो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन किधर है, इधर है देखो। सो x प्लस x का वैल्यू कितना है, 8 है। सो 8 प्लस y इज इक्वल टू 3 है। सो y इज इक्वल टू कितना होगा, 3 माइनस 8 होगा, सॉरी 13 है। सो 13 माइनस 8 होगा, इट बिकम्स 5 होगा। सो y इज इक्वल टू कितना होगा, 5 होगा। सो ये आपको फिल करना है। देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, देखो फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर मतलब ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके द ओरिजिनल नंबर इज, द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस x। ओके सो 10 कितना है, 10 इंटू वाई कितना है, 5 है, प्लस x कितना है, 8 है। सो कितना होगा, सो ये 50 होगा प्लस 8 होगा। सो आंसर क्या आएगा, 58 आएगा। ओके सो दिस बिकम्स द ओरिजिनल नंबर। आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेकेंड वन। कांताबाई बॉट 1.5 के जी टी एंड 5 के जी शुगर फ्रॉम ए शॉप। ओके एक शॉप से उन्होंने क्या किया, 1.5 के जी टी लिया और 5 के जी शुगर लिया फ्रॉम ए शॉप। सी पेड 50 रुपीज एज रिटर्न फेयर फॉर रिक्शा। सो हाउ मच सी पेड, 50 रुपीज रिक्शा को दिया उन्होंने। सो रुपीज 50 रुपीज दिया। टोटल एक्सपेंस वॉज रुपीज 700। सो ये सभी करने के लिए, ये टी लाने के लिए, शुगर लाने के लिए
प्लस ये 50 रुपीज, मिला के कितना है 700 है। सो ये फर्स्ट कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है। दो कंडीशन, सभी प्रॉब्लम में आपको दो कंडीशन मिलेंगे इधर, ओके। देन सी रियलाइज दैट बाय ऑर्डरिंग ऑनलाइन द गुड्स, ऑनलाइन गुड्स से उन्होंने रियलाइज किया कि ऑनलाइन से लिए तो, गुड्स लिए तो क्या होगा, कैन बी बॉट विथ फ्री होम डिलीवरी। सो फ्री होम डिलीवरी से ये 50 रुपीज नहीं लगेगा, लेकिन फ्री होम डिलीवरी लगेगा एट द सेम प्राइस, सेम प्राइस में आप क्या होगा, फ्री होम डिलीवरी लगेगा। सो नेक्स्ट मंथ सी प्लेस द ऑर्डर ऑनलाइन फॉर 2 kg tea, 2 kg tea लिया उन्होंने और 7 kg sugar लिया। सी पेड रुपीज 880 फॉर दैट, 880 रुपीज उन्होंने पेड किया। फाइंड द रेट ऑफ शुगर एंड टी पर केजी। सो दिस बिकम्स द सेकेंड कंडीशन, ओके। सो पहले हम कंसिडर करेंगे 1 kg sugar और 1 kg tea पर केजी के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेट, रेट कितना है 1 kg sugar के लिए और 1 kg tea के लिए, ओके। हम कंसिडर करेंगे 1 kg sugar, रेट ऑफ 1 kg sugar, 1 kg sugar कितना कंसिडर करेंगे, x रुपीज कंसिडर करेंगे। सिमिलरली रेट ऑफ 1 kg tea हम कंसिडर करेंगे y kg, ओके, y रुपीज। तो अभी देखो उन्होंने क्या किया, कांता भाई बॉट 1.5 kg tea, 1.5 kg tea मतलब एक्चुअली 1 kg के लिए, 1 kg tea के लिए कितना है y है, और 1 kg sugar के लिए। सो हम चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, बिकॉज टी इनिशियली दिए है उन्होंने, टी इनिशियली दिए है, तो शुगर हम कंसिडर करेंगे वाई, तो हम कंफ्यूज नहीं होगा वो, ओके, और टी को कंसिडर करेंगे एक्स, ओके, क्योंकि टी इनिशियल दिए। आप वैसे भी ले सकते हो एक्स और वाई, लेकिन कंफ्यूज होगा वो, इसीलिए हम टी पहले कंसिडर करेंगे, एक्स कंसिडर करेंगे और वाई क्या कंसिडर करेंगे, शुगर के लिए कंसिडर करेंगे, ओके। सो 1.5 kg मतलब आप कैसे लिख सकते हो, 1.5 kg मतलब 1.5 kg, और 1 kg के लिए कितना रेट है, x है, तो 1.5 kg के लिए कितना होगा, 1.5 × x होगा, ओके, प्लस 5 kg के लिए कितना है, 5 kg शुगर लिए उन्होंने, सो 5 kg sugar मतलब 1 kg के लिए रेट कितना है, y है। बाद में उन्होंने रिक्शा के लिए कितना दिया है, देखो 50 रुपीज़ दिया है रिक्शा के लिए, 50 रुपीज़ दिया है, ये सभी एक्सपेंडिचर है, इतना रुपीज़ दिए है उन्होंने, और टोटल एक्सपेंडिचर उन्होंने बताया है कि देखो टोटल एक्सपेंस वाज रुपीज़ 700, मतलब ये क्या है, टी को इतना दिया, शुगर को इतना दिया और रिक्शा को इतना दिया, और टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 700 है। आई होप यू अंडरस्टूड, दिस बिकम्स द फर्स्ट, ये क्या है, इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन में हम थोड़ा इंटरचेंज करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, मल्टीप्लाई करने से आपको मिल जाएगा कॉन्सेप्ट, ओके। सो इधर हम ये 50 इस साइड लेके आएंगे, क्या होगा, 1.5x प्लस 5y इज इक्वल टू, ये 50 कॉन्स्टेंट है इस साइड आया, तो क्या होगा, 700 माइनस 50, सो 650 होगा। बाद में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय टू करो, बिकॉज ये 1.5 है, पॉइंट है, सो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय टू करना है। सो टू किया तो क्या होगा, 1.5 × 2 किया तो 3x होगा, प्लस 5 × 2 = 10y होगा, इज इक्वल टू 650 × 2 कितना होगा, 1300 होगा, ओके। क्यों हमने मल्टीप्लाई बाय टू किया, क्योंकि ये पॉइंट निकालने के लिए, 1.5 × 2 किया तो 3 आएगा, ओके। सो दिस बिकम्स द फर्स्ट इक्वेशन। बाद में आपको सेकेंड इक्वेशन देखो, सेकेंड इक्वेशन कैसा लेना है। सो नेक्स्ट मंथ सी प्लेस द ऑर्डर ऑनलाइन फॉर 2 kg tea एंड 7 kg sugar। सो 2 kg tea मतलब ओके कैसे आएगा, 2 × x आएगा, प्लस 7 kg sugar मतलब 7 × y आएगा, इज इक्वल टू 880 दिए उन्होंने ऑलरेडी। सो दिस बिकम्स द सेकेंड इक्वेशन, इसको कैंसिल कर नहीं सकते, सो सेकेंड इक्वेशन आ गया। तो बाद में आपको क्या देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ओके, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हम x इक्वल करेंगे, ओके। सो 2 × 3 = कितना आएगा, 6x आएगा, प्लस 2 × 10 = 20y आएगा, इज इक्वल टू 1300 × 2 = 2600 होगा,
सिमिलरली 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 टू जा 6, 6 एक्स होगा प्लस 3 सेवन जा 21 वाई होगा इज इक्वल टू 88 इंटू 3, 88 इंटू 3 दैट इज 264, 264 होगा, 264 और ये जीरो, ओके ये जीरो आएगा। सो इसको हमको क्या करना है, माइनस करना है बिकॉज ये दोनों साइन सेम है, साइन सेम है मतलब माइनस करना है, माइनस किया तो क्या होगा, इधर साइन चेंज होगा सो माइनस होगा, इधर माइनस होगा, इधर माइनस होगा, ये दोनों कैंसिल होंगे। सो प्लस 20y माइनस 21y कितना होगा, माइनस 1y होगा और y होगा, ओनली 1y और y होगा, ओके सो बाद में इसमें माइनस 2640 एंड 2600, सो 2000 ये माइनस 40 होगा, सो y इज इक्वल टू कितना होगा, y इज इक्वल टू 40 रुपीज़ होगा, ओके सो ये हो गया y इज इक्वल टू 40 रुपीज़। आई होप यू अंडरस्टूड, ये फर्स्ट y का वैल्यू आ गया, ये 40 मतलब ये कैंसिल होगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 40 उतना बचेगा। बाद में आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन, इन इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, वन में सब्स्टिट्यूट करने से क्या होगा, देखो वन में सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, प्लस 10 इंटू वाई, 10 इंटू 40 इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन 1300, सो कितना होगा 3x होगा प्लस 400 होगा इज इक्वल टू 1300 होगा। सो ये 3x वैसे रखो, ये 400 इस साइड लेके आओ, 1300 माइनस 400 ये कितना होगा, 1300 माइनस 400 900 होगा, सो 3x इज इक्वल टू 900 होगा, x इज इक्वल टू 900 अपॉन 3 होगा, सो 31 जा 3 300 जा, सो x इज इक्वल टू कितना होगा, रुपीज 300 होगा। सो आपने फाइंड आउट किया, x का वैल्यू भी फाइंड आउट किया और y का वैल्यू भी फाइंड आउट किया। x का वैल्यू क्या है, x मतलब क्या है, रेट ऑफ 1 kg t, रेट ऑफ 1 kg t, 1 kg t इज इक्वल टू कितना है, रुपीज 300 है, रुपीज 300 है, सो रेट ऑफ 1 kg शुगर कितना है, रुपीज 40 है, ओके रुपीज 40 मतलब y, ये हो गया उसका आंसर, ओके आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे थर्ड वन, टू फाइंड नंबर ऑफ नोट्स दैट अनुष्का हैड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। सो आपको फाइंड आउट करना है, ये एक्टिविटी है, सपोज दैट अनुष्का हैड एक्स नोट्स ऑफ रुपीज 10, ऑफ रुपीज 10 सो इधर आपको सपोज दैट अनुष्का हैड एक्स नोट्स ऑफ रुपीज 100 इट शुड बी, बिकॉज इफ यू टेकन 10 इट बिकम्स रॉन्ग, ओके एंड वाई नोट्स कितने हैं उसके पास, 50 रुपीज के नोट्स कितने हैं, वाई है, प्लीज अंडरस्टैंड 100 रुपीज के नोट्स हैं, 100 रुपीज के नोट्स उसके पास कितने हैं, एक्स नोट्स है और रुपीज 50 के नोट्स कितने हैं, वाई है, ओके वाई नोट्स है उसके पास, ये एक्स और वाई 100 रुपीज के नोट्स उसके पास कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है और 50 रुपीज के नोट्स कितने हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। और दो कंडीशन दिए उन्होंने, फर्स्ट कंडीशन क्या है देखो, अनुष्का गॉट रुपीज 2500 फ्रॉम आनंद एज डिनोमिनेशंस मेंशनड अबव, मतलब उन्होंने 100 रुपीज के एक्स नोट्स लिया एंड 50 रुपीज के वाई नोट्स लिए, वाई नोट्स लिए, बाद में उसके पास कितना मिला, 2500 रुपीज मिल गया, ओके आई होप यू अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड हो रहा है। देखो हम कंसीडर करेंगे अनुष्का हैड एक्स रुपीज नोट, रुपीज हंड्रेड कितने नोट्स थे, एक्स नोट्स थे, ओके एक्स नोट्स हैं। सिमिलरली अनुष्का हैड रुपीज 50 के नोट्स कितने हैं, वाई नोट्स हैं,
ओके सो ये हम कंसिडर करेंगे। बाद में इन्होंने ये फर्स्ट कंडीशन दिया है, अनुष्का गॉट रुपीज 2500 फ्रॉम आनंद एज डिनोमिनेशंस मेंशन्ड अबव। डिनोमिनेशन मेंशन्ड अबव मतलब उन्होंने आनंद से कितने नोट्स लिए, 100 रुपीज के नोट्स लिए, एक्स नोट्स लिए, एंड 50 रुपीज के नोट्स कितने लिए, वाई नोट्स लिए। तो कितना हो गया टोटल, कितना मिला उसको, 2500 रुपीज मिल गया। तो टोटल पहले आपको निकालना है, देखो एक्स नोट्स लिए, 100 रुपीज के नोट्स है, 100 रुपीज के एक्स नोट्स, मतलब आप कैसे फाइंड आउट करोगे, 100 इंटू एक्स करोगे, इतना रुपीज मिल गया फॉर अनुष्का, किससे, 100 रुपीज से, 100 रुपीज नोट्स से, प्लस प्लस क्या करेंगे, 50 रुपीज नोट्स थे, कितने नोट्स लिए उन्होंने, वाई लिए, तो 50 इंटू वाई नोट्स लिए, तो टोटल अमाउंट कितना आया उसके पास, 2500 आ गया। प्लीज अंडरस्टैंड, 100 रुपीज नोट्स, 100 रुपीज नोट एक्स नोट्स थे, तो अभी समझो आपके पास 100 रुपीज के नोट, 100 रुपीज के नोट्स है, 5 नोट्स है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, आप कैसे करोगे, 100 इंटू 5 करोगे, 5 नोट थे, 100 रुपीज के 5 नोट है, तो 100 इंटू 5 करेंगे। सिमिलरली वैसे हमने ऐसा किया है कि अनुष्का के पास 100 रुपीज के नोट्स कितने हैं, एक्स नोट्स हैं, और अनुष्का के पास 50 रुपीज के नोट्स कितने हैं, वाई नोट्स हैं। ओके सो एक्स इंटू 100 हो गया प्लस 50 इंटू वाई हो गया इज इक्वल टू 2500 हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जीरो जीरो कैंसिल करेंगे, एक जीरो इधर से, एक जीरो इधर से, एक जीरो कैंसिल होगा, फिर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 5, सो डिवाइड बाय 5 करेंगे, सो डिवाइड बाय 5 किया तो क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 2x होगा, प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 1 होगा, सो y होगा इज इक्वल टू 2250 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 5 1 5 5 25, सो 50 आएगा। ओके सो दिस बिकम्स द फर्स्ट इक्वेशन, आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल गया फर्स्ट कंडीशन से। सेकंड कंडीशन देखो, इफ आनंद वुड हैव गिवन हर द अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग नंबर ऑफ नोट्स, मतलब उन्होंने क्या किया, आनंद ने क्या किया, इस नोट्स को इंटरचेंज किया, मतलब 100 रुपीज नोट्स, 100 रुपीज के नोट है वो क्या किया उन्होंने, वाई नोट्स किया, और 50 रुपीज के नोट्स है वो उन्होंने क्या किया, एक्स नोट्स किया, इंटरचेंज किया उन्होंने, नोट्स इंटरचेंज किए, मतलब अभी इनिशियली 5 नोट्स 100 रुपीज के 5 नोट्स थे, समझो 5 नोट्स थे 100 रुपीज के, और 10 नोट्स थे 50 रुपीज के, तो उन्होंने क्या किया, 100 रुपीज के 10 नोट्स किए और 50 रुपीज के 5 नोट्स किए, ओके इंटरचेंज किया, तब उनको क्या मिला। देखो, इफ आनंद वुड हैव गिवन हर द अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग, इंटरचेंजिंग मतलब नंबर नोट्स इंटरचेंज किया उन्होंने, नंबर ऑफ नोट्स, अनुष्का वुड हैव रिसीव्ड रुपीज 500 लेस देन द प्रीवियस अमाउंट, प्रीवियस अमाउंट कितना है, 2500 है, इससे उसको कम कितना मिला, 500 रुपीज कम मिला, तो इक्वेशन बनाना है आपको। ओके पहले देखो, 100 रुपीज के एक्स नोट्स थे, बाद में 100 रुपीज के क्या हो गए, वाई नोट्स हो गए, सो आपको लिखना है 100 रुपीज के वाई नोट्स हो गए, सिमिलरली 50 रुपीज के एक्स नोट्स हो गए, 50 रुपीज के एक्स नोट्स हो गए इज इक्वल टू कितना होगा, ये 2500 पहले मिला था लेकिन 500 लेस मिल गया, मतलब 2500 माइनस क्या होगा, माइनस 500 होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके सो ये 100y वैसे रखो, प्लस 50x वैसे रखो, इज इक्वल टू 2500 माइनस 500 2000 होगा। तो बाद में आपको क्या करना है, फिर से ये जीरो कैंसिल हो गया, फिर से डिवाइड बाय 5 करो तो क्या मिलेगा, 10 डिवाइडेड बाय 5 2y मिलेगा, प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 एक्स मिलेगा, इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 5 40 मिलेगा। ओके सो दिस बिकम्स द सेकेंड इक्वेशन, लेकिन सेकेंड इक्वेशन थोड़ा इंटरचेंज करो, इधर एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 40 लिखो, ये सेकेंड इक्वेशन हम लेंगे, दिस बिकम्स द सेकेंड इक्वेशन। ओके अभी देखो, इधर 2x है, इधर x है, इधर y है, 2y है, इज इक्वल टू 40 है, इधर 40 है, तो आपको क्या करना है, ये x सेम करना है आपको, नहीं तो y सेम करना है, तो y सेम करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके सो इधर भी 2y आएगा, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे,
इक्वेशन 1/2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, सो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा देखो, सो 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 2 into 2 4x होगा प्लस 2y होगा इज इक्वल टू 250 is 100 होगा। ओके सिमिलरली ये वैसे ही रखेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये सेकेंड इक्वेशन वैसे ही रखेंगे, ये दोनों को क्या करेंगे माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, इधर माइनस इधर माइनस इधर माइनस, सो ये प्लस माइनस कैंसिल होगा, 4x माइनस x 3x होगा और ये 100 माइनस 40 कितना होगा 60 होगा, सो x इज इक्वल टू कितना होगा 60 अपॉन 3 होगा, सो 3 ones are 320 सो x इज इक्वल टू कितना होगा 20 हो गए, सो 20 नोट्स थे किसके 100 rupees के, 100 rupees के 20 नोट्स थे। सिमिलरली आपको y भी फाइंड आउट करना है, तो आपको फाइंड आउट करना है द नंबर ऑफ नोट्स, x और y दोनों फाइंड आउट करने हैं, सो x एंड y आपको फाइंड आउट करेंगे इधर, तो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 20 होगा प्लस y इज इक्वल टू 50 होगा, सो 220 40 होगा, 40 प्लस y इज इक्वल टू 50 होगा, सो y इज इक्वल टू कितना होगा, तो इधर हम लिखेंगे, सो y इज इक्वल टू 50 माइनस 40 तो कितना होगा 10 होगा, सो y इज इक्वल टू 10 होगा, सो देयर फोर द नंबर ऑफ नोट्स नोट्स इज इक्वल टू ब्रैकेट में डालो नंबर ऑफ नोट्स, x कितना है नंबर ऑफ नोट्स, x के नोट्स कितने हैं, x और y लिखेंगे, x कितना है 20 है और y कितने हैं 50 है और y कितने हैं 10 है। ओके सो दिस बिकम्स द आंसर, सो आपको इधर लिखना है, इधर x कितने हैं 20 है, इधर 20 लिखना है, इधर 10 लिखना है, इधर इक्वेशन 1 लिखना है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है इधर देखो 2x प्लस y इज इक्वल टू 50, 2x प्लस y इज इक्वल टू 50 ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ओके ये आपको इधर लिखना है, आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फोर्थ वन, सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज 31, मनीषाज एज 3 years ago was 4 times द एज ऑफ द सविता, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, सो हम कंसिडर करेंगे प्रेजेंट एजेस हम कंसिडर करेंगे कौन था पहले मनीष था, मनीष का प्रेजेंट एज हम कंसिडर करेंगे x, मनीष का प्रेजेंट एज हम कंसिडर करेंगे x ईयर और सविता का x ईयर कंसिडर करेंगे और सविता का y ईयर्स कंसिडर करेंगे। ओके y ईयर्स कंसिडर करेंगे तो इन्होंने फर्स्ट कंडीशन दी है देखो सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस, सम मतलब एडिशन ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज 31, इज मतलब इक्वल, सो x प्लस y इज इक्वल टू कितना दिए है उन्होंने, x प्लस y इज इक्वल टू 31 दिए है। ओके सो x प्लस y इज इक्वल टू 31 दिस बिकम्स द फर्स्ट कंडीशन और फर्स्ट इक्वेशन। ओके बाद में उन्होंने तो क्या बोला है उन्होंने मनीष एज 3 years ago मतलब 3 years ago सो 3 years ago मनीष एज कितना होगा देखो, एक्चुअली अभी समझो प्रेजेंट एज 20 years है, एक स्टूडेंट का प्रेजेंट एज कितना है 20 years है, 3 years ago कितना होगा 3 years ago मतलब 3 years past 17 years होगा, कैसे 3 years पहले, इससे 3 years पहले मतलब 20 minus 3 करना है आपको, 20 minus 3 किया तो 17 आएगा, वैसे ही इधर आपको करना है मनीष एज प्रेजेंट एज कितना है x है, 3 years ago मतलब आपको कैसे फाइंड आउट करना है x माइनस 3 है। ओके इतना ईयर्स उसका 3 years ago है, सिमिलरली सविता एज कितना होगा 3 years ago सविता एज
कितना होगा y माइनस थ्री होगा, ओके y माइनस थ्री यस होगा। बाद में आपको क्या बोले, देखो मनीषाज एज, मनीष एज 3 years ago was 4 times the age of the Savita. मनीषाज एज, मनीष एज 4 times the सविताज एज बोला है, तो आपको इक्वेशन में लिखना है, वो इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। देखो सो मनीष एज इज 3 years ago, मनीष एज इज 4 times the सविताज एज, 4 times the सविताज एज मतलब y माइनस थ्री, 4 times मतलब 4 मल्टीप्लीकेशन, ओके। सो आपको ये सॉल्व करना है, x माइनस थ्री इज इक्वल टू 4y माइनस थ्री फोर जा 12, तो x वैसे रखो, ये 4y इस साइड लेके आओ, सो x माइनस 4y होगा, और ये माइनस 12 वैसे रखो, ये प्लस 3 इस साइड आया तो प्लस 3 होगा, ओके। सो माइनस 12 प्लस 3 कितना होगा, माइनस 9 होगा, सो x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 9। सो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 31 है, और सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 9। तो ये दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज ये इसका साइन और इसका साइन चेंज होगा तो दोनों कैंसिल होंगे, सो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन एंड टू, सो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 31 है, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 9 है। सो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, देखो इधर माइनस होगा, इधर भी माइनस होगा, सो साइन चेंज होंगे, सभी के साइन चेंज होंगे, इधर भी साइन चेंज होगा, प्लस होगा, सो ये दोनों कैंसिल होंगे, ये y प्लस 4y कितना होगा, 5y होगा, इज इक्वल टू 31 प्लस 9 40 होगा, सो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 40 डिवाइडेड बाय 5 आएगा, सो 5 1 जा 5 8 जा, सो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 8 years आएगा, सॉरी हाँ 8 years आएगा। सिमिलरली आपको क्या फाइंड आउट करना है, सिमिलरली आपको क्या फाइंड आउट, x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो वन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद x वैसे ही रखो, प्लस y मतलब 8 है, इज इक्वल टू कितना है, 31 है, सो x इज इक्वल टू क्या होगा, 31 माइनस 8 होगा, सो इज इक्वल टू 31 माइनस 8 कितना होगा, 723 होगा, ओके। सो x इज इक्वल टू 23 होगा, सो आपको लिख सकते हो, देयरफॉर द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष, सो मनीष का प्रेजेंट एज कितना होगा, x इज इक्वल टू 23 years होगा, 23 years होगा। सिमिलरली सविता प्रेजेंट एज कितना होगा, सविता इज नथिंग बट y इज इक्वल टू 8 years होगा, ओके। सो दिस बिकम्स द आंसर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ वन, इन ए फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स इज 5:3। सो स्किल्ड वर्कर एंड अनस्किल्ड वर्कर के सैलरी दिए उन्होंने रेशियो में, ओके रेशियो में दिए है। सो स्किल्ड वर्कर का सैलरी का रेशियो कितना है, 5 है, और 5:3 अनस्किल्ड वर्कर का 3 है, ओके। सो टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज, सो बोथ ऑफ देम इज 720। देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्कर्स, वन इज द स्किल वर्कर्स रहते हैं, और अनदर वन इज अनस्किल्ड वर्कर्स रहते हैं, ओके अनस्किल्ड वर्कर्स। सो दो टाइप्स के वर्कर्स रहते हैं फैक्ट्रीज में, एक स्किल वर्कर्स और अनस्किल्ड वर्कर्स। सो उन्होंने क्या दिया है, फर्स्ट रेशियो ऑफ सैलरी, इनका भी एक सैलरी अलग रहता है, इनका सैलरी अलग रहता है, इनका रेशियो दिया है, सैलरी का रेशियो कितना दिया है, 5:3 दिए, एंड टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम, मतलब इन दोनों का सैलरी ऐड करने के बाद एक डे में कितना होगा, 720 होगा, ओके। सो दैट दे आर गिवन, फाइंड डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। सो डेली वेजेस आपको फाइंड आउट करना है, मतलब डेली उसका स्किल वर्कर का वेज कितना रहेगा और अनस्किल वर्कर का
ये सैलरी कितना रहेगा. सो स्किल वर्कर्स का सैलरी डेली के हम समझेंगे एक्स समझेंगे. स्किल्ड वर्कर्स डेली सैलरी हम कंसीडर करेंगे एज एक्स रुपीज, रुपीज एक्स कंसीडर करेंगे. अनस्किल्ड वर्कर्स की सैलरी, अनस्किल्ड वर्कर्स डेली सैलरी हम कंसीडर करेंगे रुपीज वाई. ओके दिस इज रुपीज, रुपीज वाई. ओके ये रुपीज एक्स हो गया, ये रुपीज वाई हो गया. आपको ये फाइंड आउट करना है एक्स और वाई. पहले उन्होंने दिया है इन ए फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स इज 5:3. 5:3 हम कैसे लिख सकते हो, उन इन दोनों का रेशियो दिए है उन्होंने. तो हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 5/3 लिख सकते हैं. रेशियो दिए हैं सो एक्स का रेशियो 5 हो गया, वाई का रेशियो 3 हो गया. तो इधर इंटरचेंज करो 3 × x 3x होगा इज इक्वल टू 5 × y 5y होगा. तो इक्वेशन कन्वर्ट करो ये 5y इस साइड लेके आओ, क्या होगा 3x - 5y इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा. ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, आपको मिल गया फर्स्ट इक्वेशन. ओके बाद में आपको क्या करना है, देखो सेकेंड कंडीशन लेना है. टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज 720. हमने ऑलरेडी स्टडी किए, ऑलरेडी लिखे इधर स्किल वर्कर्स का डेली सैलरी कितना है, डेली सैलरी एक्स है और डेली अनस्किल वर्कर्स का डेली सैलरी कितना है वाई है. सो इन दोनों मिला के उन्होंने कितना दिया है रुपीज 720 दिया है. दैट बिकम्स द सेकेंड इक्वेशन. सो सेकेंड कंडीशन से आप लिख सकते हो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 720. दिस बिकम्स द सेकेंड कंडीशन और सेकेंड इक्वेशन. तो आपको फिर से ये दोनों इक्वल करने हैं. तो इस सेकेंड इक्वेशन को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3, इक्वेशन 2 बाय 3. सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 × x इज 3x होगा प्लस 3 × y 3y होगा इज इक्वल टू 3 × 720. 720 × 3 किया तो आपको मिलेगा 720 × 3. तो हम करेंगे इधर 720 और 72 × 3 करेंगे. सो 3 6 7 7 3 21. सो कितना आएगा 7160. 2160. ओके 2160 ये इतना आएगा. बाद में आपको क्या करना है, देखो अभी ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन मिल गया. तो ये 3x सेम है तो माइनस करेंगे. सो 3x - 5y इज इक्वल टू क्या करेंगे, ये जीरो है वो जीरो ऐसे रखेंगे. ओके माइनस करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन और ये दिस इक्वेशन को. ओके सो माइनस करने के बाद ये साइन चेंज होगा और ये भी साइन, ये इसका का साइन कुछ यूज नहीं है. सो 3x - 3x से कैंसिल होगा, 3y + 5y 8y होगा. सो इज इक्वल टू 2160 होगा. सो वाई इज इक्वल टू कितना होगा, वाई इज इक्वल टू 2160 डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय 8 होगा. सो 8 × 1 = 8 देखेंगे 8 से डिवाइड होता है क्या. 8 × 1 = 8 8 × 2 = 16 कितना बच गया, 5 बच गया, 56 हो गया. 56 मतलब 8 × 6 = 48 8 × 7 = 54 20 बज गया. सो इस इट इज कमिंग इन पॉइंट. हाँ 8 × 7 = कितना होगा 56 होगा और ये जीरो वैसे ही रहेगा. सो वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 270 आएगा. ओके सो वाई इज इक्वल टू 270 हो गया. बाद में आपको क्या करना है, फिर से आपको x फाइंड आउट करना है. सो सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 270 इन इक्वेशन कौन से, तो एक इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे. सो y इज इक्वल टू 270 पुट करेंगे इधर. सो 3 × x 3 × x और y x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. सो 5 × y y कितना है 270 है इज इक्वल टू 0. सो 3x इज इक्वल टू कितना होगा, ये टोटल टर्म इस साइड लेके आओ. सो 5 × 270 होगा. सो x इज इक्वल टू क्या होगा 5 × 270 डिवाइडेड बाय 3 होगा.
सो 3 1 3, 3 9 90 होगा, सो कितना होगा, 5 9 45, 450 होगा. सो x इज इक्वल टू कितना होगा, 450 होगा. तो ये y इज इक्वल टू 270 क्या है, अनस्किल वर्कर्स का डेली सैलरी कितना है, अनस्किल डेली सैलरी कितना है, 270 रुपीज है, और स्किल वर्कर्स का डेली सैलरी कितना है, 450 रुपीज है. देयरफॉर स्किल वर्कर्स डेली सैलरी, डेली सैलरी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कितना, 450 रुपीज है, 450 रुपीज. एंड अनस्किल्ड वर्कर्स डेली सैलरी वाई इज इक्वल टू रुपीज कितना है, 270. ओके, सो ये हो गया उसका आंसर. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिक्स्थ प्रॉब्लम. प्लेसेस ए एंड बी आर 30 किलोमीटर अपार्ट. सो देर आर थ्री प्लेसेस, टू प्लेस है, एक ए है और एक बी है, एक ए और एक बी है, और कितने डिस्टेंस के ऊपर है, वो 30 किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर है. सो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर है. ओके, सो ये ए प्लेस और ये बी प्लेस है अपार्ट, एंड दे आर ऑन ए स्ट्रेट रोड. सो स्ट्रेट रोड के ऊपर है. हमी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी ऑन बाइक, मतलब इधर से स्टार्ट करता है वो हमीद, हमीद इधर से स्टार्ट करता है ऐसे. ओके, ऐसे हमीद स्टार्ट करता है ऑन बाइक. एट द सेम टाइम जोसेफ स्टार्ट्स फ्रॉम बी ऑन बाइक. सो जोसेफ इधर से स्टार्ट करेगा, जोसेफ इधर से स्टार्ट करेगा ऐसे, वो दोनों ऐसे मूव करेंगे ऑन बाइक. ट्रेवल्स टूवर्ड्स ए, टूवर्ड्स ए मतलब ये बी से स्टार्ट कर रहा है, टूवर्ड्स ए को जा रहा है, और हमीद ए से स्टार्ट कर रहा है, बी को जा रहा है. दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स. सो 20 मिनट्स के बाद वो क्या करेंगे, मीट करेंगे एट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, वो मीट करेंगे आफ्टर 20 मिनट्स के बाद. ओके, इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम B at the same time but in the opposite direction instead of towards. अभी ये हो गया first, up to this ये first condition हो गया. First condition से आपको equation मिलेगा. Second condition देखो, if Joseph would have started from B at the same time but in opposite direction, मतलब ये Joseph इधर नहीं travel कर रहा है, अभी क्या करेगा, second condition में क्या करेगा, Joseph इधर से इस side travel करेगा, Joseph इस side travel करेगा, ये second condition होगा. अपोजिट डायरेक्शन इंस्टीट्यूट ऑफ टूवर्ड्स ए. हमीद वुड हैव कॉट हिम आफ्टर 3 आवर्स, मतलब ये हमीद भी स्टार्ट किया है और जोसेफ भी ऐसे ही स्टार्ट किए हैं, तो हमीद 3 आवर्स के बाद वो क्या करेगा, कॉट करेगा, मतलब उसको उसको मीट होगा. ओके, ये भी बाइक से ऐसे ही आ रहा है, ये भी बाइक से ऐसे ही आ रहा है. ओके, सो ये 3 आवर्स के बाद हमीद क्या करेगा, 3 आवर्स के बाद उन दोनों का मीट होगा एट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, समझो इधर उन दोनों का मीट होगा 3 आवर्स के बाद. आई होप यू अंडरस्टूड. इनिशियली जोसेफ और हमीद अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हमीद ऐसे आ रहा है, हमीद ऐसे आ रहा है, जोसेफ ऐसे आ रहा है. ओके, 20 मिनट के बाद वो मीट होंगे और इन टोटल डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर है. सेकेंड कंडीशन में क्या कर रहा है, जोसेफ ऐसा मूव हो रहा है, हमीद भी ऐसे ही मूव हो रहा है, लेकिन 3 आवर्स के बाद वो दोनों क्या करेंगे, एक पॉइंट के ऊपर मीट करेंगे. ओके, 3 आवर्स के बाद इधर इधर मीट करने के बाद वो कितना लेंगे, 3 आवर्स लेंगे. देखो अभी अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ. सो हमीद सम स्पीड से आ रहा है बाइक से. ओके, हमीद का समझो अभी, हमीद बाइक स्पीड, हमीद बाइक स्पीड विल कंसीडर एज एक्स किलोमीटर पर आवर, वो आपको फाइंड आउट करना है, एक्स किलोमीटर पर आवर कंसीडर करेंगे. सिमिलरली जोसेफ, जोसेफ भी सम स्पीड से जाता होगा, वो ऐसे जा रहा है. ओके, सो जोसेफ बाइक स्पीड, बाइक से जा रहा है वो भी, तो उसका भी सम स्पीड होगा, समझो वाई किलोमीटर पर आवर. ओके, बाद में इन्होंने क्या बोले, 30 किलोमीटर के बाद वो दोनों 30 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर है, और 20 मिनट के बाद वो ज्वाइंट हो गए, 20 मिनट के बाद वो ज्वाइंट हो गए.
सो ये 20 मिनट के बाद ये दोनों ज्वाइन हो गए, मतलब समझो इधर ज्वाइंट हो गए, तो ये थोड़ा डिस्टेंस कवर कर दिया और ये थोड़ा डिस्टेंस कवर कर दिया, ओके। सो ये डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम है, स्पीड इंटू टाइम। सो इसका स्पीड ऑलरेडी हमने कंसिडर की है एक्स किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना होगा 20 मिनट। इधर से देखो हमीद इधर से इधर तक आने के लिए 20 मिनट ही लेगा, क्योंकि उन्होंने बोले हैं 20 मिनट के बाद वो क्या करते हैं, मीट होते हैं। देखो इधर दे मीट ईच अदर अप टू 20 मिनट, मतलब ये भी इधर से 20 मिनट में आएगा इधर तक, और ये भी 20 मिनट तक इधर तक आएगा, ओके। सो 20 मिनट के बाद वो मीट होंगे, तो हम कंसिडर करेंगे कि हमीद कितना डिस्टेंस कवर किया। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय हमीद, सो डिस्टेंस कवर्ड कवर्ड बाय हमीद, देखो डिस्टेंस कवर्ड बाय हमीद, हमीद डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको फॉर्मूला मालूम है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। सो स्पीड कितना है उसका, हमीद का स्पीड कितना है, एक्स किलोमीटर है, एक्स किलोमीटर पर आवर है, इंटू टाइम, टाइम कितना है 20 मिनट। इधर से इधर तक कवर करने के लिए कितना लिया है उन्होंने, 20 मिनट लिया है, 20 मिनट मतलब आवर में कन्वर्ट करना है आपको। सो 20 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 60 होगा। सो ये दोनों कैंसिल होंगे, 2 1 2 3 जा, तो कितना होगा x अपॉन 3, डिस्टेंस कवर्ड मतलब किलोमीटर, इतना किलोमीटर वो कवर किया है, ओके। डिस्टेंस कवर्ड बाय हमीद कितना होगा, x अपॉन 3 होगा। सिमिलरली डिस्टेंस कवर्ड बाय हुम, जोसेफ। सो जोसेफ ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो देखेंगे, सो वो भी सेम स्पीड इंटू टाइम, उसका स्पीड कितना है, उसका स्पीड कितना है, इधर हम लेकेंगे स्पीड कितना है उसका, वाई किलोमीटर पर आवर से वो आ रहा है, इंटू टाइम कितना है, टाइम तो सेम ही है, वो 20 किलोमीटर 20 मिनट में ही मीट होगा इधर से इधर तक, ओके। सो 20 मतलब 20 अपॉन 60, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 1 जा 2 3 जा, तो कितना होगा वाई अपॉन 3 किलोमीटर, ओके। सो ये हो गया इसका, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उन्होंने, देखो ये जोसेफ इधर से इधर तक कवर किया, बाद में हमीद इधर से इधर तक कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किए, ये कवर किया 30 किलोमीटर कवर किए दोनों मिलके। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितने होंगे, ये हमीद ने कवर किया x अपॉन 3 कवर किया, और जोसेफ ने कवर किया y अपॉन 3 कवर किया, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस हो गया 30। सो डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, सभी टर्म को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, तो क्या होगा ये 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 3 जा 90, सो 90 होगा। सो दिस बिकम्स द फर्स्ट इक्वेशन मिल गया आपको, आई होप यू अंडरस्टूड, दिस बिकम्स द फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन मिल गया आपके। सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए फिर से आपको क्या करना है, फिर से सेकेंड कंडीशन यूज कर रहे हैं, इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम बट इन अपोजिट डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ टुवर्ड्स ए, हमीद वुड हैव कॉट हिम आफ्टर 3 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ। ओके, सो इधर हमीद ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इधर से इधर तक डिस्टेंस ट्रैवल किया, ओके, इधर से इधर तक टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया हमीद ने, 3 आवर्स के बाद वो मीट होते हैं बोले उन्होंने, ओके, 3 आवर्स के बाद वो मीट होते हैं। सो 3 आवर्स के बाद मतलब इन्होंने हमीद का बाइक स्पीड आपको मालूम है एक्स है, टाइम मालूम है 3 आवर्स के बाद वो मीट होते हैं, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय हमीद कितना होगा, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, हमीद का डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, एक्स किलोमीटर स्पीड था, इंटू टाइम करना है, डिस्टेंस आपको मिलना है तो स्पीड इंटू टाइम करना है, स्पीड कितना है एक्स किलोमीटर पर आवर है, और टाइम कितना लिए है उन्होंने, 3 आवर्स लिए है, वो मीट करने के लिए 3 आवर्स लेता है, 3 आवर्स मतलब 3x, आवर्स में ही है वो 3x वैसे ही रखेंगे, ओके। सो ये डिस्टेंस ट्रैवल बाय हमीद हो गया। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रैवल बाय
डिस्टेंस ट्रैवल बाय कौन, जोसेफ। सो जोसेफ से डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, वाई उसका स्पीड है, बाइक का स्पीड है इनटू 3 आवर्स, सो कितना होगा, 3 वाई होगा। ओके लेकिन समझो अभी उन्होंने हमीद डिस्टेंस किधर से किधर तक ट्रैवल किया, इधर से इधर तक ट्रैवल किया, और जोसेफ किधर से किधर ट्रैवल किया, इधर से इधर ट्रैवल किया। मतलब हमीद डिस्टेंस माइनस जोसेफ डिस्टेंस किया तो आपको ये 30 किलोमीटर मिलेगा। समझो हमीद इधर से इधर तक डिस्टेंस ट्रैवल किया तो ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया। सिमिलरली ये जोसेफ इधर से इधर ट्रैवल किया तो ये टोटल माइनस ये किया तो आपको ये मिलेगा 30 किलोमीटर। सो हम इक्वेशन क्रिएट करेंगे 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 30। आई होप यू अंडरस्टूड 3x क्यों, 3x मतलब ये हमीद का डिस्टेंस इतना इतना कवर किया है, जोसेफ का डिस्टेंस 3y कवर किया है, 3y ये निकाले तो क्या मिलेगा इसमें, 30 किलोमीटर मिलेगा। ओके आई होप यू अंडरस्टूड। सो ये हो गया सेकेंड, और डिवाइडेड बाय 3 करो, डिवाइडेड बाय 3 किया तो क्या होगा, सो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10 होगा। सो डिवाइडेड बाय 3 किए हो इधर, सो दिस बिकम्स द सेकेंड इक्वेशन। आपको ये दोनों इक्वेशन क्या करने हैं, ऐड करने के बाद ये माइनस वाई प्लस वाई होगा तो ऐड करेंगे। सो ऐड इक्वेशन, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, सो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 और सेकेंड वन x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। सो दोनों इक्वेशन ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल होंगे और ये कितना होगा, 2x होगा इज इक्वल टू 100 होगा। सो x इज इक्वल टू कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाय 2 होगा, सो दिस बिकम्स द 50। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना होगा, 50 होगा। सो x इज इक्वल टू 50 हो गया। बाद में आपको क्या करना है, पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 1। सो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन किधर है, इधर है। सो x कितना है, 50 है, प्लस y इज इक्वल टू 90। सो ये 50 इस साइड आया तो माइनस होगा, सो y इज इक्वल टू कितना होगा, 90 माइनस 50 40 होगा। सो 40 होगा। सो इसका मीनिंग क्या है, ये हमीद क्या कर रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, और जोसेफ क्या कर रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर से मीट कर रहा है। इसीलिए इन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने के बाद 3 आवर्स के बाद वो क्या करेंगे, मीट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमीद 50 किलोमीटर मतलब ज़्यादा वो मूव कर रहा है। ओके सो आप लिख सकते हो इधर, तो लिख सकते हो कि हमीद बाइक स्पीड, हमीद स्पीड और बाइक स्पीड इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज 50 किलोमीटर पर आवर एंड इसका कितना है, जोसेफ, जोसेफ स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ओके सो आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। ये हो गए इसके कॉन्सेप्ट, ये सभी प्रॉब्लम हो गए। आई होप यू अंडरस्टूड द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स।